जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ लिए जहाँ पर्वत पर्वत गर्व गर्व सिखाते, सिखाते, जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे सब सब रस्ते, रस्ते बस बस भक्ति के भक्ति के सुर सुर में में गाते गाते हैं। हैं। बस बस लिए लिए समर्पण समर्पण तन मन तन मन से, से मैं मैं देव देव भूमि भूमि में में आता आता हूँ। हूँ। बस बस लिए लिए समर्पण समर्पण तन मन तन से मन से मैं मैं देव देव भूमि भूमि में में आता आता हूँ। हूँ। है भाग्य मेरा चारों तरफ सौभाग्य, बहुत ही सुंदर तुमको ईरान शीश पहाड़ियाँ। नवाता हूँ, मैं तुमको शीश ये नवाता सदियों हूँ। से, दशकों से, युगों से, न जाने कितने कल्पों से ऐसे ही हैं। हर चीज़ के साक्षी यहाँ लोग, जितने लोग आए गए सबके ये साक्षी हैं। क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दिव्य घटनाएं हुई, क्या क्या मनुष्य के साथ घटनाएं हुई, प्रकृति की क्या क्या इंसिडेंट हुए, वो सारी चीज़ें कि ये पहाड़ गवाह हैं, साक्षी हैं, क्योंकि ये युगों से हैं। हिमालय है, युगों से है और युगों तक ही रहेगा, सदा है, सदा से रहेगा। ये हिमालय है, सदा रहेगा। जय हो, जय हो। ये मिट्टी के टीले कटते कटते ऐसे बन गए हैं जैसे मीनारे हों। हम अभी कहाँ हैं? वाह, हिमालय की गोद में हैं। चारों तरफ हिमालय ही हिमालय, चारों तरफ बर्फीली चट्टाने ही चट्टाने। केवल जिस पे हम चल रहे हैं, गंगा जी के किनारे, उसी पे बर्फ नहीं है, और अच्छा ही है, वरना चलने में बहुत दिक्कत होती। बाकी सब जगह बर्फ ही है और देखने में तो आनंद आ गया। जय हो, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु, हर हर महादेव। यहाँ पे हमेशा मट्टी खसकती रहती है, जैसे ये सड़क रही है, बस आप चलते रहिए। यहाँ की मिट्टी बहुत सड़क रही है, इसीलिए इसको ढीला पहाड़ भी कहते हैं। लगातार सड़कती रहती है, तो यहाँ बड़ी सावधानी चलना पड़ता है। हवाएं तेज हो जाती हैं तो भी मिट्टी सड़कने लगती है। टेक के चलिए भैया, टेकते हुए चलिए आराम से। टेक सहारा लेते चलिए ना, तो बहुत कम मेहनत लगेगी। क्या होता है जब हम अपने पैरों के बल पे चलते हैं तो उनमें मेहनत ज़्यादा पड़ती है, और जब टेकते हुए लकड़ी के बल पे चलते हैं तो जो पावर पैर में लगने वाली होती है ना, वो हाथ में लग जाती है, तो फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाता है। जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, आनंद ही आ गया। जय हो, जय हो। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। सामने का पर्वत पूरा बर्फ से ढका हुआ। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे। शिव कैलासो के वासी, तेरी जय वासी, संकट संकट हरे ना। ये ढीला पहाड़ है, यहाँ पे पत्थर बहुत अधिक गिरते हैं, पत्थर है, मट्टी है, तो यहाँ खतरा बहुत बनाता है। यहाँ पे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, बोर्ड भी लगा दिया गया है कि इतनी दूरी में बहुत सावधानी से चलना है। जय हो, जय हो। क्योंकि पूरा खुला हुआ है, हाँ, पूरा रिस्की जोन है, मट्टी हमेशा ही गिरती रहती है,
मिट्टी के साथ पत्थर हमेशा ही गिरते रहते हैं। तो ये पूरा जोन सब खतरनाक ढीला पहाड़ का है। ये चढ़ाई है और बहुत ही रिस्की जोन है, क्योंकि हमेशा ही नहीं खसकती रहती है, और मिट्टी के खसकने के साथ ही पत्थर भी खसकते हैं। छोटे छोटे पत्थर खसकने से बड़े पत्थर खसकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं मिट्टी है, तो इनमें पैर रखते ही आप खसक, ये की बड़ी दिक्कत होती है। इसको टेकते टेकते आइए लकड़ी, देखिए पूरा ही खतरनाक है, बहुत सरकता हो, कभी भी पत्थर कोई भी आ सकता है, तो बहुत सावधानी चलना पड़ता है। जय हो। इस समय भैया एकदम डेंजर जोन में है, इधर भी इधर भी, और थोड़ा आगे आ जाइए, ढाल है, दिक्कत नहीं है, और यहाँ से देखिए नीचे भी ऐसा ही है, और टेकते टेकते आइएगा लकड़ी से एकदम सम रखते हुए, तो दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारी गिट्टियाँ खसक रही हैं, फिसल रही हैं, तो ये उनमें से डेंजर जोन में से एक है, पर इतना भी डेंजर नहीं है, आप आराम से लकड़ी को टेकते टेकते रखते हुए सम करते हुए। हालांकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई उतराई है, ढाला है, पर आप जब आराम से टेकते टेकते पैर सम करते रखते हुए आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे खाई है, ऊपर ये ढीला पहाड़ है, और बीच में हम हैं, और साथ में भोलेनाथ और गंगा मैया हैं। जय हो गंगा मैया, जय हो भोलेनाथ। ऐसा ही ये पूरा ही एरिया है, रुके थोड़ी देर, कहाँ, अच्छा हाँ, ये देखिए पूरी बर्फ, वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। अब मोबाइल में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, पर बहुत सुंदर बर्फ जो गिर रही है, मतलब जो ढाली हुई है, चली अच्छी, तो वो नीचे है और वहाँ से टपक रहा है बूंद बूंद और पानी आ रहा है। ये पूरा हाईली रिस्की जोन, ढीला पहाड़, जय हो, पूरा मिट्टी का है, ज़रा ज़रा मिट्टी खसकती है, और ज़रा से मिट्टी खसकने में पत्थर और साथ बड़े बड़े पहाड़ भी आ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ बहुत रिस्की जोन है, तो इसीलिए यहाँ पे से चलते बनते रहना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि हवा तेज़ चलती है तो भी छोटी मिट्टी के कण उड़ते हैं, उसके साथ साथ फिर और बड़े, फिर पत्थर की जगह हो जाती है, वो खसकते हैं छोटे छोटे, फिर बड़े पत्थर और फिर और बड़े पत्थर, फिर चट्टाने, इसलिए इसे जितनी जल्दी से जल्दी पार कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से खसकता ही खसका है पूरा ही ऊपर से नीचे तक। सिर कहला सो के वासी, ढोले धारो के राजा, संकट संकट है ना। देखिए ये ग्लेशियर का पानी जल ऊपर से बर्फ पिघलने से आ रहा है, और ये गंगा मैया मिल रहा है। ऐसा लगता है दूसरी दिन लगे, सब कुछ अलग है।
एकदम टेकते हुए आइएगा, एकदम टेकते हुए, पैर एकदम आराम से रखिएगा जितना हो सके। देखिए बहुत ही सक्रिय जगह है और लगता है सबसे डेंजर जगहों में से, क्योंकि जगह सरकते हुए ढाल से आना है वक्त से, तो पूरी भुरभुरी मट्टी है, तो कब सरक जाए कितने में पता नहीं, तो इसीलिए ढाल पे बहुत ही संभाल के टेकते हुए अच्छे से पैर जमाते हुए ही चलना चाहिए। स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए उतरते समय ऐसे जगह पे, क्योंकि वो मट्टी होती है कब सरक जाए पता नहीं। देखिए कितना निकला हुआ है, जय हो जय हो। रोमांच उत्साह आनंद सब कुछ एक साथ ही है। हाईली जोन, रिस्की जोन, हाईली रिस्की जोन, ये यहाँ की स्थिति परिस्थिति देख के ही लगता है कि कितना ज़्यादा हाईली रिस्की जोन है। पर जब आप भगवान का ध्यान करते हुए चलिए, शिव 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 शंभु, तो फिर इस बात की चिंता से मुक्त होते हैं कि आगे क्या होना है। सब वही होना है जो प्रभु इच्छा है। देखिए पूरा है पहाड़, ये धीरे धीरे मट्टी खसक रही है, तो जब पूरी मट्टी खसक जाएगी तो ये गिर जाएगा। और बहुत कम जगह है, बहुत ही ज़्यादा विकट रास्ते हैं, थोड़ी दूर बस, ज़्यादा नहीं। शिव केला सूखी वासी, अब ये ढीला पहाड़ लगभग ख़त्म हो गया है और हम इसे बाहर आ गए हैं। जय ये बोर्ड लगा हुआ है, आते हो कि बोर्ड लगा था जहाँ से ये शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म होते हुए मिल बना है, ये दिखाता है कि अब हाईली सीजन ख़त्म हो गया, अब आती यात्रा नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस थोड़ी दूरी है भुजवासा और उसके बाद गोमुख धाम। जय हो भोलेनाथ, जय हो। ठंडी हवाएं और इस गंगा जी के किनारे तट पे कैलाश पे भैया हमारे धूप सेक रहे हैं, सनबाथ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो सूर्य देवता के दर्शन हो गए काफ़ी देर बाद हुए हैं, क्योंकि बादल हो गए थे तो अब धूप निकल आई है तो धूप का आनंद भी ले रहे हैं। गीला पहाड़ क्रॉस, हाँ गीला ढीला पहाड़ क्रॉस किए हैं, तो लंबा पहाड़ था इसलिए वहाँ पर बीच में कहीं रुकना बैठने का वो नहीं है, और बैठ भी नहीं सकते, रुक भी नहीं सकते जगह में, तो अभी थोड़ा सा विश्राम चल रहा है। जय हो। हर हर महादेव। हम भी सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जब इस धरती पे आप लेटिए ना, हम लेटे हुए हैं जैसे कि भैया लेटे हुए थे, तो आपका ऐसा लगता है शरीर का जितना कष्ट है, दर्द है, वो ऑटोमेटिक खींचा जा रहा है। इन्होंने बताया तो हमने कहा चेक करते हैं भी, और ये बात वास्तविक में सही है। हो सकता है लंबा चल के आए हैं, लेटे हैं तो इसलिए आराम लग रहा हो, मगर वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आराम मिल रहा है ना। जी धरती माँ है, हाँ जी में बैठेंगे तो आनंद आएगा ही आएगा, वही तो सचमुच में जो दर्द है वास्तव में पीठ का, शरीर का, वो कम हो रहा है। सामने सूर्य देवता भी हैं तो धूप उसका भी आनंद मिल रहा है। वाह वाह। और ये गंगा तुलसी है, तो इसकी महक बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे यही पूजा में चलती है, तो यहाँ में बहुत सुगंधित दे रही है, इसे चाय में भी डालते हैं। ये है गंगा तुलसी,
और ये बहुत ही जगदा लगी हुई है, इसकी महक बहुत ही सुंदर है, बहुत आनंद देती है। तो ये अगर आप ज़्यादा रगड़ लेते हैं तो आपके हाथों में भी महकने लगता है, और ये चाय में भी डालते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही तुलसी रहती है। जो वहाँ बाकी जगह की तुलसी है मैदानी एरियो की, वो यहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा है। तो ये जो है बहुत दिव्य औषधि है, महक बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी महकती है, और अगर आप हाथ पे रगड़ लेते हैं तो हाथ भी महकने लगता है, पूजा के भी काम आती है, और हर तरीके से औषधि है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी है, तो पूरा महक रहा है तुलसी तुलसी तुलसी, तो हम बड़ा आनंदित हो रहे हैं। हर हर गंगे हर, अरे वाह, रुकी 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 रुकी, ये बहुत भाग से दिखते हैं, और हमें तीन तीन दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, तीन तीन दिख रहे हैं, एक दो नीचे, अच्छा एक नीचे भी है, एक नीचे, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। छड़ी पकड़ी, आगे मत जाइए, नहीं नहीं अभी नहीं जाऊँगा, आगे लेके जाइए। इनका बहुत ही महत्व है दर्शन होने का, हमें चार चार दिखे, ये नमक चाटते हैं पत्थर। ये पत्थरों का नमक चाटते हैं, और ये यहाँ के क्या नाम इनको बोलते हैं, नाम मैं बताऊँगा बाद, अच्छा अच्छा, भीड़ है, आगे दीजिए, और ये बहुत ही सुंदर, छड़ी मत रखिए आप डरो मत, ये बहुत ही सुंदर, जय हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि आपको कष्ट ना हो, हम आगे जाएं। वो बहुत लंबी छलांगे, बहुत सारे हैं, अरे वाह वाह, नीचे देखिए भैया नीचे, पूरा पूरा झुंड है, बहुत सारा झुंड है, और हमें आगे चलना चाहिए, ताकि जो ऊपर है ना वो ना हो। देखिए सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, मतलब यहाँ के वासी हैं, और अभी जब हम बोल रहे थे सब लोग बहुत गौर से देख रहे थे, हाँ ये यहाँ के साधु महात्मा ही हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखना वास्तव में। और देखिए खड़ी, हाँ थोड़ी जी जी, दो मिनट पहले इनके बारे में, हाँ अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया भी था, और कह भी रहे थे यहाँ पे ये दिख जाते हैं, दो मिनट पहले विचार कर रहा था कि आज तो बहुत अच्छा होता है, देखता हुआ जा रहा था, और देखिए वाह वाह, और वो भी इतने ढेर सारे, पूरे झुंड, मतलब एक दो नहीं पूरे झुंड, यहाँ ऐसा है जैसा आपका भाव है, सही मन है, वैसे ही दृश्य दिख जाते हैं। हम आगे चलते हैं ताकि इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, ये ऊपर चढ़े हुए हैं, तो हमारी वजह से इनको कोई दिक्कत ना हो, ये दर्शन मिले इनका, यही बहुत है हमारे लिए। हम आगे चलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा जरूर बताएंगे, हम लिख देंगे ऊपर से इन झुंडों का नाम। बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत शांत, बहुत ही सुंदर, आगे ग्लेशियर, तो ये दिखना यहाँ पे अच्छे शुभ संकेत की निशानी होती है, क्योंकि ये सभी जीव यहाँ पे दिव्य है, साधु महात्माओं की ही योनि है, और सब खड़े पहाड़ पे ही हैं, और सब ऐसे हमें देख रहे थे जैसे हुआ है हम अजनबी हैं उनके यहाँ है, तो इसीलिए वो सब देख रहे थे। हम ये आ गए हैं भोजवासा, आ गए, ये लाल बाबा का आश्रम है, और बाकी जगहों पे टेंट लगे हैं और रुकने के स्थान हैं।
पर हम लाल बाबा के आश्रम में जाकर रुकेंगे। यहाँ पे भी बना हुआ है। ये है स्थल भोजवासा, इसकी ऊंचाई है 3794 मीटर और यहाँ से गौमुख 4 किलोमीटर है। जय हो जय हो। पर हमें यहाँ पे रुकना है भोजवासा में, तो हम नीचे चलते हैं और रुकने का हिसाब देखते हैं। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से जाते हैं और आगे जाते हैं, और इस तरफ से जाते हैं ट्रॉली से नदी क्रॉस करके। तो जो इधर से जाते हैं वो थोड़ी दूरी से ही दर्शन होते हैं, पूरा गौमुख तक नहीं जा सकते हैं। पर जब आप नदी क्रॉस करके ट्रॉली से उस तरफ जाएंगे, थोड़ी सी दूरी पड़ी पर आप पूरे गौमुख तक पहुंच जाएंगे। कि यहाँ पे आप नदी के उस पार जा रहे हैं, तो इसलिए पास तक जा रहे हैं गौमुख के, और जब आप नदी के इस पार ही रहेंगे तो आप थोड़ी सी दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा। तो हम कोशिश है कि ट्रॉली से जाने की, कि पास से दर्शन हो सके। जय जय हो जय हो। पूरे चारों तरफ पर्वत ही पर्वत, पहाड़ ही पहाड़। जय हो। और हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। जय राम बाबा। उधर राम बाबा का आश्रम है, टेंट लगा हुआ है, और इधर लाल बाबा। ये है आश्रम। जाना किधर से दिखते रहिए। जय हो। आश्रम, भोजनालय, टॉयलेट। इधर टॉयलेट है और इधर भोजनालय है। देखते हैं कोई है। कमरे जी, बेड मिलते हैं। एक एक बेड 400 रुपये का पड़ता है। बहुत अच्छी रजाई गद्दे रहते हैं, ठंडी नहीं लग पाती है। दो मिनट में सब, थोड़ी देर बाद ना सब दिखने लगेगा। ओके, महात्मा लोग कादे से बैठे हैं ना, देखिए ये महात्मा लोग को कहा वो। कुछ लोग टेंट में रहते हैं, कुछ लोग वो पीछे जीवन में रहते हैं, उसे बुक कराना पड़ता है पहले से। बुक तो सभी कराना पड़ता है, उसमें ज़्यादा पहले बुक कराना पड़ता है। और ये है आश्रम लाल बाबा के नाम से। ये है नहीं, चारों तरफ ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर, बहुत आनंददायक। और ये भी एक महात्मा का टेंट है, राम बाबा का है। वो लाल बाबा का आश्रम है और ये राम बाबा का आश्रम है। और सब जगह रुकने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता किधर से? ये है 50-60 घंटे। ये मौसम विभाग की वेधशाला है, वहाँ से मौसम विभाग वाले बताते रहते हैं। यहाँ मौसम ठंडा है। ये योगशाला है, अभी यहाँ भी जाके देखते हैं। ये ट्रॉली है, इसमें बैठ के खींचते जाइए आप उस तरफ चले जाएंगे और खींचते जाइए इस तरफ आ जाएंगे। नदी पार करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है यहाँ से उस तरफ जाने के लिए। और ये शायद मौसम भी अच्छा, वो है ट्रॉली भी नहीं है, इधर से टाइम भी लगता है। जय हो मंडिया, जय हो मंडिया। अभी हम भुजवासा में हैं, ये गौमुख से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ की जल की धारा
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, हवाएं चल रही है, बहुत ठंडी, बहुत आनंद देने वाली। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही ज़्यादा रमणीय स्थान है, दिव्य भी है, तपो वाला भी है, क्योंकि यहाँ से सब लोग आते नहीं, बहुत कम लोग आते हैं, पर उनका हौसला बुलंद होता है, समस्या कुछ नहीं है, बस थोड़ी हल्की चढ़ाई ही है, और दृश्य बहुत अच्छे हैं, आराम से आया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से आपको ट्रेकिंग की बुकिंग करानी पड़ेगी बस, और बाकी आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ का आनंद ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, और सब लोग हमारे मेरे साथ यहाँ के दर्शन करें। नर्मदे जय हो, गंगा मैया हर हर गंगा मैया, जय हो जय हो। ये है योग शिविर, जय हो जय हो। ये शिव मंदिर योग शिविर बहुत सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। ये भोलेनाथ का मंदिर है, शिव मंदिर। जय जय जय। सिर्फ एक टीन डली हुई है और कुछ नहीं। यहाँ के महात्मा होंगे नहीं, अभी ताला लगा हुआ है और कुटी बनी हुई है। बहुत ही सुंदर है, और मैया का वेग जो है बहुत प्रचंड है, बहुत ज़्यादा प्रचंड। ये पूरी कुटी गुफा बनी हुई है, पत्थरों की बनी है, दीवारें और पट्टीन लगी हुई है, ऐसे ही है। जय जय। बहुत सारी बड़ी, हाँ, पर इसमें हवा बहुत लगती होगी, वही तो। अपनी कुटी बहुत अच्छी होती है, हाँ, गर्म है, गर्म है, हवा बिल्कुल नहीं जा रही। जय हो महाराज, जय हो जय। इनम पीला हो रहा है, सुबह के समय लगभग 5:30 बजे होंगे, सूरज निकल चुका है, यहाँ भी उजाला बहुत सुबह हो जाता है। और देखिए उजाला, इसमें सूरज रोशनी पड़नी शुरू हो गई है। ये धुंद आ रही है, हाँ, ये धुंद है, ओस 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 के बादल है, ओस के बादल, ये अच्छा आ रहा था पीछे, हाँ, ये लाइट आ रही है अभी थोड़ी देर पहले, एकदम ऊपर पीला गोल्डन आ गया था। इसमें भी धूप पड़ेगी तो ऐसे गोल्डन आ जाएगा इसका, हाँ, कपड़े ये पता नहीं है, चारों तरफ से ये ओस के बादल आ रहे हैं। हाँ क्या नहीं उठे ये जीवी है, गढ़वाल पर्यटक
की तरफ से रुकने की व्यवस्था, ये थोड़ा महंगा पड़ता है पर व्यवस्था अच्छी रहती है। ये टेंट लगा के भी रह रहे हैं। जी एजेंसी वो के द्वारा टेंट लगाए गए हैं। ये पूरा नीचे से लेके आते हैं गाइड के साथ, और गोमुख और तपोवन सब जगह के दर्शन कराते हैं। ये पहाड़ी में ना देखिए चोच पीली है, अभी थोड़ी देर पहले एकदम साफ था और पूरी चारों तरफ धुंध ही धुंध, एकदम धुंध हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये आ ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा हो गई कि पहाड़ और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे, अब कोई पहाड़ नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ धुंध धुंध। यहाँ तक कि जो पास की डोमेट्री थी जीवन का वो था, वो भी धुंधला हो गया। यहाँ नदी के पास वो था ट्रॉली जिससे उस पार जाते थे, पर वो भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत अधिक धुंध। मौसम एकदम चेंज हो गया और सिर्फ कोहरा ही कोहरा हो गया, और ट्रॉली से भी जा रहे लोग पर दिख नहीं रहे हैं उस पार नदी के। बहुत ही मौसम बिगड़ गया, बहुत ही ज़्यादा। अभी हवा चलेगी तभी ये मौसम खराब होगा, देखते हैं। किसी को लेके नहीं गए, खुद ही गए। फंस गए, वो ट्रॉली फंस गई है। अगर आपको ट्रॉली खींचने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी ट्रॉली बीच में फंसी जानी होती है। हर गंगे हर गंगे, ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही एक्सट्रीम ठंडी है, कोहरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। और अभी हम इसी कोहरे में ही हैं और आगे का रास्ता भी खुल नहीं रहा है। थोड़ा सा धुंध हट जाए तो हम लोग आगे जाएं, पर ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि कोहरे की वजह से जो ट्रॉली है, जो खींचने वाले थे, जो जा रहे थे, वो ठीक से खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए ट्रॉली में आने में भी टाइम लग रहा है। गंगे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यही है ट्रॉली में चढ़ के जाने का। क्योंकि अगर आप अपने से खींचते हैं तो बहुत मुश्किल से जाते हैं, और अगर किसी खींचने वाले को लगते हैं तो उसको ले जाना पड़ेगा वहाँ तक, वहाँ से फिर वो नीचे उतरेगा, उस तरफ जाएगा, फिर खींचेगा। देखिए तो वो नीचे उतर रहा है, रस्सी से और इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है एक तरफ, ताकि वो इसलिए तो ट्रॉली पलटे नहीं। और ये नीचे उतर गया, अब वो आगे जाके वो खींचेगा आगे से।
देखिए उन्होंने रस्सी छोड़ दी तो पीछे फिर से बैक आ गई है, अब वो खींचेंगे तब आगे जाएगी। हम लोग ट्रॉली में बैठ रहे हैं और हम अभी के देखिए ट्रॉली में बैठे हैं पीछे पीछे ऊपर से लीजिए ना ऊपर हाथ हाथ चाहिए वो हाथ नीचे में गंगा भैया और नदी के क्रॉस हो गए हैं तो एक तरफ ज़्यादा वजन ये बैठे ना दोनों उस तरफ ज़्यादा वजन है ये